आपका मेरे चैनल निशांत रसोई जयर पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर दीजिए। तो आज हम लोग कहानी सुनेंगे राजा के नए कपड़े। एक समय की बात है, एक राजा था, उसे प्रतिदिन नए कपड़े पहनने का शौक था। राजकाज पर खर्च करने की जगह वह सारा धन अपने शौक पर खर्च करता था। एक बार दो ठग उसके राज्य में आए। उन्होंने लोगों से कहा, हम लोग बहुत माने हुए दर्जी हैं, बहुत ही खूबसूरत जादुई कपड़े बनाते हैं, उन कपड़ों को कोई भी मूर्ख नहीं देख सकता। लोगों में कानाफूसी होने लगी और बात राजा तक पहुंच गई। ठगों को बुलाया गया। राजा ने उन ठगों को अपने लिए कपड़े सिलने के लिए मुंह मांगा धन दिया। वे दोनों बैठकर कपड़ा मापते, काटते और सिलते। ऐसा लगता मानो अति व्यस्त हैं। कुछ दिन बाद राजा ने अपने मंत्री से काम की प्रगति देखकर आने के लिए कहा, पर मंत्री को कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। भयभीत होकर उसने राजा से कहा, महाराज कपड़े अति सुंदर बने हैं। राजा स्वयं उत्सुकतावश देखने गया, पर उसे भी कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, क्यों मैं मूर्ख हूँ। सभी ने राजा से नए कपड़े पहनकर राज्य में फिर घूमने की प्रार्थना की। राजा ने वैसे ही किया। मूर्ख कहलाने के भय से सभी मौन थे, पर एक बच्चा ने कहा, हा हा हा, राजा तो नंगा है। तब से प्रतिदिन नए कपड़े पहनने का शौक राजा का उतर गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए।